गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए का पार्टिकल होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, जो कि हमारा डीएनए में बनने में, सिंथेसिस करने में उसकी मदद करता है डीएनए की। सबसे पहले हमारा जो न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर हुआ था 1868, फ्रेडरिक मिक्सचर ने डिस्कस किया था ब्लड सेल के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड हमारा जो मेन इंफॉर्मेटिव कैरिंग मॉलिक्यूल है, बेसिकली हमारा ये टू टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी जो है न्यूक्लिक एसिड की, वो न्यूक्लियोटाइड है। बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, और हमारा एक वन मोर मॉलिक्यूल हमारे इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप के होते हैं। पेंटोज शुगर हमारे बेसिकली दो टाइप की होती है, राइबोज और सॉरी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर, ओके। इसके बाद हमारा जो है इनके अंदर डिफरेंस है, एक यहाँ पे जो राइबोज है वहाँ पे ओ एच सेकेंड पोजिशन पे ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इन अदर वर्ड यहाँ पे जो है ओ एच ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गया, ओके। उसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर हो गया हमारा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज में हमारा क्या था, ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है ऑन सेकेंड पोजिशन। सेकेंडली डी ऑक्सीराइबोज में हमारा क्या है, ओ एच ग्रुप में ओ हमारा ऑक्सीजन एटम है जो रिप्लेस किया हुआ है, ओके। उसके बाद में हम जो न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन हमने पेंटोज शुगर कर ली, उसके बाद में आते हैं नाइट्रोजन बेस पे। नाइट्रोजन बेस हमारा जो है ये टू टाइप से होता है, बेसिकली प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन हमारा जो है ये दो टाइप का होता है, एडिनिन और गुआनिन। सेकेंडली हमारा जो पिरामिडिन होता है वो थायमिन, साइटोसिल और हमारा यूरेसिल होता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन बेस के हमारे प्यूरिन के स्ट्रक्चर। ये बेसिकली मैंने बता दिया, ये हमारा टू टाइप का होता है, एडिनिन और गुआनिन। देन हम बेसिक स्ट्रक्चर करते हैं यहाँ पे प्यूरिन का। प्यूरिन एक है, प्यूरिन एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें टू रिंग अरेंज होती है, ओके। इन विच फोर नाइट्रोजन एटम, देयर पोजिशन विल बी एज ए नाइट्रोजन फर्स्ट एटम, नंबरिंग विल बी शुड देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ, ओके। देन देर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिनिन और गुआनिन। यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट पोजिशन पे जो है, यहाँ पे सॉरी सिक्स पोजिशन पे जो है, सिक्स पोजिशन पे यहाँ पे चेंजेस आएंगे कुछ। यहाँ पे जो सिक्स पोजीशन पे अगर हमारे पास एन एस टू ग्रुप आ जाता है तो हम एडिनिन बोल देते हैं, ओके। अगर सिक्स पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे चेंज हुए कुछ, उसे हम गुआनिन बोल देते हैं। जैसे कि हमारा जो है सिक्स पोजीशन पे हमारा ओ ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन एटम वाला डबल बॉन्ड के साथ, और जो सेकेंड जो एटम है हमारा, सेकेंड जो नंबरिंग है वहाँ पे हमारा एन एस टू ग्रुप आ जाता है, ओके। ये हमारे बेसिकली दो स्ट्रक्चर थे इसके, प्योरिन के एडिनिन और गुआनिन, क्लियर है। उसके बाद में आ जाते हैं पिरिमिडिन पे। पिरिमिडिन के हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यही है, बेंजीनिंग है, और हमारे पास दो एटम हमारे पास नाइट्रोजन के हैं, और नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, और लास्ट वाले जो एटम नाइट्रोजन है और दैट, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। उसके बाद में हमारे पास ये तीन टाइप के होते हैं,
बेसिक स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम यूरेसिल का वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। यूरेसिल में क्या होएगा, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे फोर्थ और सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया। अगर हम इनके साथ साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं फिफ्थ पोजीशन पे, मिथाइल ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे ऐड कर दिया, देन हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा थायमिन का। थायमिन फिफ्थ, और हमने फिफ्थ पोजीशन पे थायमिन मिथाइल ग्रुप ऐड करने के बाद वो थायमिन का स्ट्रक्चर बना, ये हमारा थायमिन बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक एक जो है यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे NH2 ऐड कर देंगे और रिप्लेस किसे कर देंगे हम, ऑक्सीजन एटम को। देन हमारा क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन हमारा बन जाता है। ओके बाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना। बना दीजिए।